ए सिमेट्रिक सिंथेसिस। सिमेट्रिक मतलब क्या भाई? हाँ बेटा, तो वो क्या हो जाएंगे, कायरल और एक कायरल हो जाएंगे सिमेट्रिक। हाँ एक कायरल, तो हम क्या है, कायरल है या एक कायरल है? एक, क्योंकि हमारा एक सिमेट्री है, एक्सिस सब सिमेट्री है, सीधा एक्सियली काट दे तो दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, राइट नो? तो ये देखना है ए सिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब कौन सा सिंथेसिस कर रहे हैं, कायरल सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है? इज इट क्लियर व्हाट इज ए सिमेट्रिक सिंथेसिस? कोई वो ऐसे भी पूछ लेगा राइट द कायरल सिंथेसिस, अब तुम पागल हो जाओगे तब, समझ में आया ना? हमने पढ़ा नहीं बोलोगे, कायरल रिएक्शन पढ़ा नहीं बोलोगे भाई, यही है ए सिमेट्रिक सिंथेसिस। आप मुझे बताओ, जो जब दो, नहीं बोलना है बुरा मत मानना हाँ, मगर बात यह है कि दो गधे बच्चे हैं, क्या है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक तो सोता है साला 12 बजे तक क्लास भी नहीं जाता है, जो दूसरा बच्चा देख के रहेगा उसके साथ देखेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी उसको फॉलो करेगा, करेगा या नहीं? और मान लो वो जो सोता रहे उसको हटा देंगे वहां से और एक अच्छा बच्चा को डाल देंगे, किसको, अच्छे बच्चे को, जो कि रात को 4 बजे उठेगा, नहाएगा धोएगा, एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, पढ़ेगा तगड़ा, तो वो बच्चा उसको देख के तो घबरा जाएगा, साला ये इतना क्या कर रहा है, करेगा या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, एग्री करते हो या नहीं करते हो? yes, भैया ये एनवायरमेंट का इफेक्ट बहुत जरूरी है, तुम अच्छे हो या बुरे हो दैट इज योर एनवायरमेंट, नथिंग एल्स। हर इंसान बराबर का है, मैं भी अगर ऐसा हूं तो मेरा एनवायरमेंट कैसा है, यू नो, हर चीज का एक एनवायरमेंट होता है, अगर एनवायरमेंट अच्छा हो तो जो तुम्हें सूट नहीं करता वहां से आइसोलेट हो जाना, खत्म कहानी, समझ में ना? अच्छे एनवायरमेंट के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। तो ऐसे ही एसिमेट्रिक सिद्ध, देखो दो अगर एक कायरल ले रहा हूं, क्या एक कायरल ले रहा हूं और दोनों को रिएक्शन करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कायरल बनेगा क्या, तो क्या बने? दो गधे लिया तो क्या बनेगा, गधा ही बनेगा, हाँ या ना, समझ रहे हो ना? अगर दो कायरल ले रहा हूं तो क्या बनेगा, कायरल ही बनेगा, अगर एक कायरल है एक एक कायरल है तो इफेक्ट किसका आएगा, कायरल का आएगा, एक कायरल का नहीं आएगा भाई, वो बच्चा भी पास होना चाहता है, गधा बच्चा जो है वो भी पास होना चाहता है या नहीं चाहता है, बताओ तो सुनो, मगर उसका एनवायरमेंट खराब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि उसका एनवायरमेंट खराब है, वो अगर अच्छा सराउंडिंग में रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा अगर कोशिश थोड़ा करेगा तो। तो वैसे ही जब कायरल एक कायरल के साथ जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कायरल बन जाएगा, ठीक है? तो वही बोल रहा है, देखो वही चीज लिखा गया, व्हेनेवर एन ए कायरल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ए कायरल रिएजेंट, क्या ए कायरल है, ये ए कायरल क्यों है कि देखो ये कायरल है या कायरल है, बताओ पहले, पहले तो खुद में एक कैपेसिटी होना चाहिए कि सर ये ए कायरल क्या है और कायरल क्या है, कि आप देखो कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है भाई, हाँ बोलो भाई जल्दी, किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ, मैं बता दूंगा या ट्रिक दूंगा, चिंता मत करना, सही में कोई पहचान नहीं सक रहा है कि कायरल है या एक कायरल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो जाओगे, ये ध्यान में रखना कि ये कायरल है एक कायरल है। मैंने क्या बोला था कायरलिटी के लिए कि 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बेटा कि ये कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या, 2 ऑक्सीजन हो जा रहा है तो दोनों तो बराबर का आ गया, आया ट्रिक, समझ में आया, समझ में आया नहीं, तो ये कायरल होगा एक कायरल होगा, समझ में आ गया बेटा? अभी डाउट है किसी को, या फिर भी नहीं तो और कुछ एग्जांपल मैं सोचूंगा और बताऊंगा, अगर तुम नहीं बोलोगे बेटा मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मेरा पास ट्रिक हजारों पड़ा है, तुम्हें से तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारा अंदर रखोगे तो थोड़ी, एक बात याद रखना, हर इंसान ना एक एजम्पशन करता है कि मैं बोलूंगा तो ये मुझे गुस्सा करेगा क्या ये, मगर तुम ऐसा सोचोगे तो सामने वाला को नहीं जानते हो ना वो कैसा माइंड में है, हिटलर का क्या, हिटलर को तुम जानते हो कि वो हमेशा गुस्सा करता है, मगर कभी अगर अच्छा मूड में ऐसा कोई गुस्सा नहीं करता, कोई थोड़ी पागल है क्या गुस्सा करेगा, बात करने का ढंग होता है, आया ना? अगर आप किसी को सोचते हो कि नहीं मैं ये सोच रहा हूं वो गुस्सा करेगा, ये बुरा मान जाएगा, नहीं, प्यार से बोलो, हर कोई मानता है, समझ में आया जो बोल रहा हूं? तो वैसे ही यहां पे आपको यही चीज है, आप अपना डाउट अपने पास मत रखना, नहीं तो नहीं समझ सकोगे, प्लीज दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। मैं तो जानते हो, मैं जब स्टूडेंट था जब तक क्लास में नहीं समझा टीचर बाहर नहीं जाता था, क्योंकि मैं उनको रख देता था, नहीं तो वो मुझे टाइम देता था कि बेटा तुम आ जाना मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगा, क्योंकि वो भी जानता है कि क्लास में अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्लास खत्म नहीं होगा भाई,
सब कोई नहीं पढ़ सकेंगे, है या ना? क्योंकि भाई यहीं पे अगर क्लियर कर लिया ना तुम तर गए, तुम्हें यार कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, जान लेना। अब देख लो, तो ये जब रिएक्शन कर रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है? हाँ, ये कौन सा रिएक्शन है? हाँ भैया, रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन दे रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। ये मॉलिक्यूल को देखो, ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन का दूसरा क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मगर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही है वहां पे, हमने सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया। तो देखो, ये OH एक बार ऊपर की ओर हो जा रहा है और एक बार नीचे की ओर हो जा रहा है। ये कैसा हुआ, क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लिखा है ना, ये बुक अच्छा नहीं लिखा है। चलो ठीक है, उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। ये जो है कार्बोनिल है, ठीक है, क्या है? कार्बोनिल। ये एंगल में रहता है बेटा, क्या रहता है? एंगल में रहता है। जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, एक बार ऊपर से भी रिएक्ट करने के लिए सरफेस रहता है, क्या? ऊपर से रिएक्ट करने के लिए सरफेस रहता है, और एक बार ऐसे भी इतना जगह होता है कि नीचे से भी वो अटैक कर सकता है। ओके, जब ऊपर से करता है तो यहां पे OH बन जाता है, अगर नीचे से करता है तो नीचे में OH बन जाता है। समझ में आया? तो ये चीज है कि ये जो है, इसीलिए बोला जाता है इसको, क्या बोला गया, दैट इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू एनांसियोमर। तो इसीलिए एक बार ऊपर और एक बार नीचे का चांसेस है। अब इसको करो, ये R और S, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं, चलो बताओ मुझे, ठीक है ना? ये तो नया मॉलिक्यूल है तुम्हारे लिए। तो ये क्या हुआ, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो ये कैसे घूमेगा बेटा? क्लॉक वाइज। तो क्या हो गया? R। समझ में आया? और फिल्टर लगाया, सही है, ठीक है। बस अब इसको देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये घूमेगा कैसा? तो क्या होगा? S। समझ में आया? और तुम पापुल, तुम्हारा नाम क्या? भाभी, क्या है तुम्हारा? भाभी नहीं, क्या था तुम्हारा नाम, भूल गया मैं। हाँ हाँ, वृंदा। देखो, तुम बोल रहे थे सर प्लस और माइनस हमेशा होगा क्या उल्टा, देखो तुम्हारे सामने एक R हुआ, दूसरा S हुआ या नहीं, समझे ना? यही है उसका लॉजिक, समझे ना? तो ये यहाँ पे देखो, प्लस और माइनस मतलब एक, अगर हमारा पोलारीमीटर में डाला, अगर एक डेस्टो हो रहा है, दूसरा लेबो हो रहा है, मतलब एक क्या हुआगा? आर होगा, दूसरा एस होगा, 101%। अंडरस्टैंड? ऐसा आंख बंद करके बोलना है भाई, समझे ना? बस ये जान लेना। तो इसके लिए क्या, देखो ये रोटेशन कितना 180 डिग्री हो रहा है भाई मेरा, 90 डिग्री। फिर ये मॉलिक्यूल और दो तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री चेंज करके, मगर वहां पे वो आर एस, वो मिक्सचर हो जाए, वो आर भी होगा, एक एस भी होगा। ऐसे होंगे कि हमको घुमाने के लिए 180 डिग्री चाहिए, क्या आर टू एस करने के लिए कितना चाहिए? 180। ये एंगल भी याद रखना है आपको, अंडरस्टैंड? बस 90 में हमारा वो सेम चीज बनेगा, क्या बनेगा? सेम चीज बनेगी। इज इट ओके? हाँ, बेटा देखो ना, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ना ना, जो घुमा रहे हैं ना बेटा, मेरा बात समझो, ये जो H और OH है, ठीक है, आप एक प्लेन को देखना, दोनों को घुमा मत देना, एक को घुमाओ ना भाई। तुम सबको घुमाओगे तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में आ रहा है ना? हम घुमाएंगे किसको, ये जो H मान लो यहाँ पे था, ठीक है, और इसको घुमा के हम क्या कर रहे हैं ना, OH कर रहे, तब जाके हो रहा है ये, हाँ, हर पूरे को नहीं घुमाना है आपको, अंडरस्टैंड? पूरे को हमें नहीं घुमाना है, एक को घुमाना है, हाँ, ठीक है ना? ये याद रखना है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, दिस इज ए कायरल रिएजेंट, दिस इज ए कायरल कंपाउंड, यस, दिस इज द पाइरुविक एसिड। एग्जाम में कितना, 12-20 तक होता है ना क्लास, 6 मिनट है, डोंट वरी। तो देखो, तो पाइरुविक एसिड को कैसे लिखा जाता है, यू हैव टू रिमेम्बर द ट्रिक इन एग्जाम ऑल्सो, राइट? एसिटिक एसिड तो हर कोई लिख दोगे, CH3COH, हाँ या ना? बस बीच में CO डाल देना, और क्या है, आसान है, ये ट्रिक याद रखना। एसिटिक एसिड हर किसी को लिखना आता है, CH3COH, बीच में CO घुस गया, और कुछ नहीं, पाइरुविक एसिड है, ओके। और ये हमारा रिएजेंट है, क्या है ये रिएजेंट में, कुछ कायरल केमिस्ट्री है क्या? तो एक कायरल है, दोनों जब एक कायरल है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है?
डेसिमिक मिक्सचर बनता है, बस खिचड़ी बन जाएगा, क्या खिचड़ी बन जाएगा, याद रखना। ओके, व्हेन पाइरूविक एसिड इज रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन निकेल द प्रोडक्ट इज रेसिमिक लैक्टिक एसिड। व्हाई इट इज सो, कार्बोनिक ग्रुप इज प्लानर। प्लानर मतलब क्या, एक ही प्लान है भाई, हमने उसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है कि बहुत सारा सरफेस है दोनों तरह से अटैक करने के लिए। एडिशन ऑफ आइदर साइड ऑफ द इज इक्वली पॉसिबल, एज ए रिजल्ट 1:1 मिक्सचर इज पॉसिबल, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो व्हेन ए काइरल मॉलिक्यूल रिएक्ट ईच अदर, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, खिचड़ी बन जा रहा है। तो रेसिमिक मिक्सचर बना तो इसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन, यस और नो, दिस रिएक्शन इज नोन एज वन काइंड ऑफ रेसिमाइजेशन। ओके, कोई अगर बोलेगा रेसिमाइक प्रोडक्ट बनाओ तो रेसिमिक प्रोडक्ट बन गया। अब कोई बोलेगा उसको रिजॉल्व करो, मतलब रिजोल्यूशन करो, मतलब आर को अलग करेगो एल को। ओके, बस ठीक है, चलो समझ जा रहे हो। देखो नेक्स्ट, हाउएवर इफ पाइरूविक एसिड इज द फास्ट इस्टरीफाइड विथ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, क्या बोल रहा है, उसने क्या किया कि पाइरूविक एसिड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। ये अल्कोहल क्या है बेटा, मेंथिल अल्कोहल। मेंथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, जानते हो, दैट इज ए काइरल कॉम्पाउंड। क्या है, मेंथिल अल्कोहल इज ए काइरल कॉम्पाउंड। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आएगा। तो मेंथिल अल्कोहल को जब हम, ये क्या है, अल्कोहल है, ये एसिड है। अल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, यस दिस इज नोन एवरीवन। तो ईस्टर जब बना तो एक बल्कि ग्रुप बन गया, बनाया नहीं, तो ये जब ऐसा रुकेगा यहां पे बल्कि ग्रुप होके, तो इस पोजीशन को ये ब्लॉक कर देगा। समझ में आया नहीं, देखो पहले ये जो था OH था, छोटा सा था, आया ना, ये डबल बॉन्ड O जो था OH, यहां पे छोटा था, यहां पे सरफेस मिलता था एंटर करने के लिए। जब ईस्टर बन गया, इतना बड़ा बन गया कि यहां से जो ग्रुप है वो एंटर नहीं कर सक रहा है। समझे या नहीं समझ रहे, तो हम इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, हम जब इसको दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, जब गधा बच्चा था अच्छा बच्चे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो अच्छा बच्चा का इफेक्ट गधा बच्चा में पड़ रहा है, ना कि गधा का अच्छे में पड़ रहा है। गधा का अगर अच्छे में पड़ा तो वो बर्बाद हो गया, होते ना कुछ बच्चे, होते भी नहीं है कि अच्छे बच्चे भी बुरा बच्चे के साथ रह के बिगड़ जाते हैं, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, मगर ऐसा जो गधा बच्चा, जो गधा है बेसिकली, क्यों गधा है ना, उसका पास इंटरेस्ट है और वो नहीं कर सक रहा है, तो उसको अच्छे बच्चे के साथ रहना जरूरी है। समझ में आया ना, वो जानना है आपको यहाँ पे। ओके, तो देखो, तो ये ईस्टर बन गया आपका। ओके, ये ईस्टर जब बना, उसके बाद अगर आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, तो भैया आपको ऊपर से सरफेस मिलेगा एडिशन के लिए, इसीलिए ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। समझे, समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो एक फॉर्म आपका बनेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, ये दिखा रहे हैं आपको, रुको देखो, स्टर थस ऑब्टेंड इज फास्ट रिड्यूस्ड एंड देन हाइड्रोलिसिस वी गेट प्रीडोमिनेंटली माइनस लैक्टिक एसिड। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डायरेक्शन अटैक बाय रिएजेंट इज डिटरमाइंड बाय द काइरल रिएजेंट। ओके, इज इट क्लियर भाई, देखो बात मत करो, ये समझो जो बोल रहा हूं। ओके, और एक रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट है, कोई कोई काइरल रिएजेंट आपका मॉलिक्यूल भी होंगे, रिएजेंट होंगे, कौन सा, ईस्ट भी होते हैं, क्या, ईस्ट, ईस्ट के साथ भी रिएक्शन करेंगे, दे आर द काइरल रिएजेंट इन नेचर। ओके, तो वो क्या करेगा, आपका सीधा काइरल मॉलिक्यूल बनाएगा, वो भी बल्कि ईस्टर बनाएगा। एसिड में जब ईस्ट भी देंगे, वो भी क्या बना देगा, एक तरह का ईस्टर बनाएगा और ब्लॉक कर देगा, एक तरह का आपका क्या बनाएगा, काइरल मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, दिस इज नोन एज योर एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेंथिल क्या था भाई, अल्कोहल का स्ट्रक्चर। भाई टाइम हो गया यार, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहा है बेटा,
मेंथॉल, मेंथॉल इज नथिंग बट द मेंथिल अल्कोहल, दिस इज ए कायरल, ये कायरल सेंटर है ना बेटा, यस और नो, दिस कार्बन इज योर कायरल सेंटर, ओके, यहाँ पे कायरल सेंटर OH है, ठीक है ना, देखो, हाँ, तो ये तो कायरल नहीं है शायद, दिस इज कायरल, नहीं, हाँ, तो यहाँ पे भी कायरलिटी हो सकता है, यहाँ पे भी कायरलिटी हो सकता है, हाँ, यहाँ पे कायरल, कायरल, तो दिस इज ए कायरल रिएजेंट, क्या है, इसको कायरल रिएजेंट बोलते हैं, तो कायरल रिएजेंट को जब ए कायरल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर, तो आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर देना, ओके, एग्जाम में पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो आपको ये डिस्क्राइब करके लिखना है, इज इट क्लियर, ओके।